रोजगार एक नए डिजाइन के साथ हाजिर, जिसका प्लान आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर का प्लान आप देख सकते हैं, इसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। आइए अब आपको डायरेक्ट मैं वीडियो पे ले चलता हूँ। वीडियो की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसकी जो मैं फ्रंट लुक के कुछ आपको यहाँ से क्लिप दिखा देता हूँ थोड़ी सी, तो ये फ्रंट लुक रहेगा। जो टेक्सचर है इसका फ्रंट का, वो वुडन में हमने यहाँ पे दिया है। बाकी का वॉल का जो कलर है वो अलग से रहेगा। फ्रंट में पूरा वॉल कलर के साथ यहाँ पे टाइल्स वगैरह का वर्क करवा सकते हैं। हर एक चीज को बारीकी के साथ इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो को पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले। अभी घर के अंदर भी लेके चलूंगा बाप। तो जो हमारा डिजाइन है 33x40 का है, फ्रंट से 33 फीट चौड़ाई है, जो लंबाई इसकी है वो 40 फीट है। दो मंजिल का यहाँ पे डिजाइन हमने बनाया है। तो अंदर चलते हैं। कार पोर्च एरिया है सामने, स्मॉल कार पोर्च एरिया है, बड़ी कार नहीं आएगी यहाँ पे, ध्यान रखिए। इसके बाद ये सीढ़ियों के नीचे का स्पेस रहेगा और सामने आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम रहेगा। कमाइंड 6 फीट का स्पेस हमने यहाँ पे रखा है, 4x6 का टॉयलेट बाथरूम नीचे बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कार पोर्च के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा घर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा लॉबी एरिया दिया है, पूरा बड़े साइज में। अब इस लॉबी एरिया के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग स्पेस है, सोफा वगैरह आप लगा सकते हैं, आपका कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और साइड में बात करें तो एक डाइनिंग टेबल है खाने पीने के लिए, यहीं पे पूरा का पूरा जो स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम दिया है, वेंटिलेशन के लिहाज से दो दो विंडोज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। टीवी का सेटअप किया गया है प्रॉपर तरीके से, जो हर एक चीज़ की जो एडजस्टमेंट हो सकती थी इस रूम के अंदर वो की गई है। उसके बाद में आप देखेंगे जो हमारा लॉबी है, यहीं से जो खुले दरवाजे आप देख रहे हैं, ये बड़ा दरवाजा जो खुला बाईपास, ये किचन का दरवाजा रहेगा जो कि पीछे की तरफ खुलेगा। और ओपन स्टाइल की किचन यहाँ पे हमने डिजाइन की, आप देख सकते हैं। थोड़ा बाहर मैं आपको ले चलता हूँ किचन से। साइड में हमने 4 फीट का स्पेस दिया है। और दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे वाशेस, तो आपका वाश एरिया बन जाएगा यहाँ पे कपड़े रखते धोने के लिए, इस जगह को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम इस बेडरूम में आ चुके हैं, जबकि हमने इसका दो दरवाजा था वो खोल के नहीं दिखाया। तो ये वो डोर है, आप देख सकते हैं। पीछे भी एक हमारा बेडरूम है, वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। ये हमारा एक पर्सनल बेडरूम बन जाएगा। तो अंदर चलते हैं, इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिल जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हमारा बेडरूम रहेगा। सामने की दीवार पर फिर से आप टीवी लगा सकते हैं, बुक सेल्फ आप रखने के लिए जगह, या फिर आप वार्डरोब अपना रखना चाहते हैं उसके लिए जगह मिल जाती है आपको। इस रूम के अंदर एक टॉयलेट बाथरूम अटैच हमने यहाँ पे दिया है। तो चलिए आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो आप टॉयलेट बाथरूम देखिए, साथ ही मेरी जो बात है उसको भी आप ध्यान से सुनो। अगर आपको भी इसी टाइप का, इसी तरह का कोई भी घर का नक्शा, छोटे साइज का, बड़े साइज का, जैसा भी आप बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो सर्विस होती है ऑनलाइन होती है, पूरे इंडिया में अवेलेबल होती है। कहीं पे भी आप छोटे घर का नक्शा बनवाना चाहें, बड़े का बनवाना चाहें, फार्म हाउस बंगला जैसा भी डिजाइन बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। और इसकी हमारी एक जो नॉमिनल फीस होती है। तो चलिए अब वापस से हम बाहर निकल गए,
और ये लॉबी एरिया जो कि हम देख चुके हैं। अभी मैं पीछे का आपका जो वॉशरूम एरिया वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ से शुरू हो जाता है। ये है हमारा कॉमन यूज के लिए वॉशरूम। इसमें जो छोटा दरवाजा आप देख रहे हैं, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है कॉमन यूज के लिए। सिंपल यहाँ पे टॉयलेट सीट लगाई गई देसी इंडियन स्टाइल। नहाने के लिए शावर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये छोटा सा डिजाइन है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ये तो हो गया हमारा टोटल ग्राउंड फ्लोर का हमने देखा। इसे बाहर निकलते हैं। अगर इसे बाहर निकलते हैं, आप देखेंगे वॉश जो बेसिन है बड़े साइज का, वो आप लगा सकते हैं इस तरीके का। और इस नीचे के फ्लोर में हमारे दो बेडरूम हो जाते हैं, बड़े साइज का किचन, बड़ा लॉबी एरिया और कार पोर्च। करीबन तीन टॉयलेट बाथरूम नीचे आपको मिल जाते हैं। ये जो सीढ़ियां हैं हमारी, 3 फीट चौड़ाई में हमने बनाई है। नहीं, टोटल जो स्पेस है 6 फीट का है हमारा नीचे का। और सीढ़ियों के नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, एक टॉयलेट बाथरूम रहेगा। ऊपर भी हमने 3 टॉयलेट बाथरूम बनाए हैं। थोड़ा सा चेंज है, एक बाथरूम फ्रंट का जो बाथरूम था उसमें चेंज है, थोड़ा सा वो दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाती है बड़े साइज की। और बालकनी का जो फ्रंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ से इस टाइप की जो बालकनी है आपकी, फ्रंट में एक बड़ा और एक जो इसका मॉडर्न जो लुक है वो भी आपको मिल जाता है। स्टील और ग्लास रेलिंग के साथ नए लुक में डिजाइन हमने तैयार किया है। अभी अंदर चलते हैं। और यहाँ पे भी एक देखिए लाउंज एरिया बना सकते हैं स्मॉल। यहाँ पे एरिया वही है, ज़्यादा हमने चेंज नहीं किया है। बस में थोड़ा सा फेरबदल ये किया है कि लॉबी का जो एरिया है, नीचे बिल्कुल ओपन वो रखा था जो सामान आपने देखा, लेकिन ऊपर के एरिया में यहाँ पे हमने एक अलमारी रख दी, आप जो सामने देख सकते हैं ब्लैक कलर की। उसके बाद ये बेडरूम रहेगा हमारा। ये नीचे का जो बेडरूम था वही साइज है। अब जो पीछे थोड़ा ले चलता हूँ मैं, क्योंकि नीचे हमारे ओपन स्पेस था और यहाँ पे हमने बालकनी दे दी है 4 फीट की। अब इस 4 फीट में यहाँ पे जो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम था, वो सीढ़ियों के ऊपर साइड में हमने कर दिया थोड़ा सा। 4 बाई 6 का टॉयलेट बाथरूम रहेगा और इस टाइप का आप बना सकते हैं। काफी अच्छा जो स्पेस है वो यहाँ पे हमने बनाया है। तो ये किचन हो गई हमारी, आप देख सकते हैं किचन का जो स्पेस है, साइज और स्टाइल वही है। थोड़ा बहुत फेरबदल हमने यहाँ पे किया। पीछे का जो बेडरूम है आप देख सकते हैं, इसमें भी फेरबदल किया है हमने। जो नीचे का हमारा बेडरूम था उसमें बुक शेल्फ थी, लेकिन यहाँ पे हमारी वार्डरोब हमने यहाँ पे डिजाइन करके दी है। और जो टॉयलेट बाथरूम का स्पेस है पीछे का, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप देख ही चुके हैं वो वीडियो वहाँ तक। तो ये हमारा कंप्लीट जो दोनों फ्लोर का वीडियो है। अब मैं आपको टॉप टेरेस पे ले चलता हूँ। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए अब आपको मैं टेरेस पे ले चलता हूँ। बिल्कुल ओपन टेरेस रख है यहाँ पे। चाहे तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, बैठने उठने के लिए जगह बना सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। तो ये डिजाइन है हमारा। और वाटर स्टोरेज टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें।
इससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो चलिए, आपने हमारा आज का वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।